हाँ ये देखिए, कहीं भी गाड़ी निकालिए तो पहले इनको घुमाइए एक राउंड। ये देखिए हमारा हवाई जहाज जा रहा है, हम उसको बोले हैं कि बाद में आना। देखिए बहन जी गेहूँ साफ कर रही हैं। हाँ बहन जी आप साफ करेंगे तभी हम लोगों को खाने को मिलेगा। ये देखिए ये दानापुर का कैंटोनमेंट है। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है, आप लोग देखिए शादी ब्याह हो रहा है, मंदिर पर पूजा हो रही है। ये सब कितने का है देखिए, 10 रुपये जोड़ा गिलेट का है। खाजा। देखिए भैया, हाँ देखिए भैया बोल रहे हैं खाजा राजा वाला। खाइए लीजिए, ले जाइए चटनी बनाइए, इसको भी ले जाइए 25। हाँ ये देखिए, कहीं भी गाड़ी निकालिए तो पहले इनको घुमाइए एक राउंड। अब बैठ गई हैं सच के, ये पूरा तरीका है इनका। हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पर आप सबका। जो लोग नए हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको ले आया हूँ दानापुर मंडी, जो कि बहुत उपजाऊ ज़मीन होने के कारण दाना अन्न से नाम बना है और दानापुर हुआ। चलिए घुमाते हैं आपको। हाँ ये देखिए गांव की इसी तरह की मंडी होती है, दानापुर बाज़ार है। ये देखिए हमारे देश में गांव में आज भी इसी तरह से सब चलता है। ये देखिए 100-100 रुपए की नाइटी सब टंगी हुई है। शादी वगैरह का सीजन है, ये सब देखिए गांव की शादी होती है ना, तो सब एकदम ऐसे ही चलता है। देखिए सिंदूर दान है सब शादी में चढ़ाने के लिए। आज भी जो हम लोग का ट्रेडिशनल है सिंदूर, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सजाया हुआ है सब, ये सब बिकता है। ये सब देखिए चूड़ी माता बहनें ले रही हैं पूरा खुश होकर। कितने का है देखिए, 10 रुपये जोड़ा गिलेट का है। ये देखिए सब्जी मंडी है, फल मंडी है, ये सब पूरा थोक में केला लगा हुआ है, 10 रुपया दर्जन है ये सब। देखिए क्या भैया भिंडी कैसे दिया, और भी देखिए यहाँ पर ताज़ी ताज़ी सब्जी, गंगा किनारे है डेली ताज़ी सब्जी आती है। ये देखिए कैसे है टमाटर, 25 रुपये किलो टमाटर। खाइए लीजिए, ले जाइए चटनी बनाइए, इसको भी ले जाइए 25। ये देखिए देख रहा हूँ पूरा है मंडी पूरा बना हुआ है। बहुत पुरानी मंडी है, 400-500 साल पुरानी बताते हैं इसको। कैसे है खीरा, 20 रुपये किलो खीरा, 20। कैसे है नेनुआ, 50 रुपये किलो ताज़ा नेनुआ। दिलाइए बेस।
ये देखिए बिहार का यहाँ पर शादी ब्याह में बहुत चलता है खाजा। खाजा चलता है, आजा खाजा खाजा जा। देखिए भैया, हाँ देखिए भैया बोल रहे हैं खाजा राजा वाला। ये देखिए ये टोकरी सजी हुई रखी है शादी ब्याह में, यही सब में पैकिंग हो के खाजा है गट्टा है ये सब जाता है, पूरी तैयारी चल रही है। देखिए खड़ा मसाला पीसा जा रहा है सब, गांव का ही जो मसाला होता है शुद्ध होता है। देखिए बहन जी गेहूँ साफ कर रही हैं। हाँ बहन जी आप साफ करेंगे तभी हम लोगों को खाने को मिलेगा। जो लोग पुराने हैं और वो जब जानते हैं गांव का खाना पीना, ये देखिए मैं खा रहा हूँ और बहुत ये एकदम मीठा नहीं है, हल्का मीठा है। लोग कहते हैं कि गांव में मीठा बहुत चलता है, नहीं एकदम हल्का मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है और बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। चलिए तो आपको मैं लेके चलता हूँ गंगा किनारे घाट पर, वहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए शादी ब्याह हो रहा है, मंदिर पर पूजा हो रही है, ये सब दूल्हा दुल्हन वगैरह हैं सब। बॉस लोग बैठा हुआ है इधर, देखिए बुजुर्ग लोग हैं। ये देखिए गंगा जी इस वक्त सूख चुकी हैं, पूरा ये जो मैदान दिख रहा है गंगा जी का, वो देखिए थोड़ा सा पानी दिख रहा है आपको, वो और पूरा दूर जाके है। और जब बारिश होती और तो उन दिनों में गंगा जी ये सब सब पूरा भर जाए। देखिए यहाँ पशुपालन चल रहा है। ये देखिए ये दानापुर का कैंटोनमेंट है, ये देखिए जैसे लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, वेलकम टू एशियाज ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट दानापुर। ये मतलब बहुत पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का है ये। और यहीं पर एक स्टेडियम भी है, बच्चे खेल रहे हैं। हाँ ये देखिए मेट्रो कार बहुत तेज़ी से चल रहा है और चारों तरफ पूरा चल रहा है, लेकिन आज भी गरीब लोग झुग्गी झोंपड़ियों में देखिए किस तरीके से रह रहे हैं। हाँ ये देखिए ये सगुना मोड़ है, उधर सीधा उधर सामने से आए थे तो वो कैंटोनमेंट एरिया था, और इधर दाहिने तरफ जाएंगे तो बेली रोड चले जाएंगे, और इधर ये चल रहे हैं हम लोग इस साइड में, तो इस साइड में पड़ेगा आपका दानापुर स्टेशन। स्टेशन की ओर जाते हैं तो दिखाते हैं, और ये है सगुना मोड़। हाँ ये देखिए हम लोग दानापुर स्टेशन आए हुए हैं, ये देखिए दानापुर चौराहा है, और ये देखिए स्टेशन अब तो काफ़ी अच्छा, ये देखिए तिरंगा लहरा रहा है, अब तो काफ़ी अच्छा बना दिया है। ये देखिए हम लोग सामने से दानापुर स्टेशन से आ रहे हैं, और ये इस साइड में, और ये जो पुल देख रहे हैं ये
ये दो दो हैं, उधर रेलवे पुल है और भी है, और दाहिने साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो ये एम्स की तरफ चले जाएंगे और ये बेली रोड की तरफ है ना। और ये देखिए कितना बढ़िया स्टेडियम है, तिरंगा लहरा रहा है। देखिए देखिए हमारा हवाई जहाज जा रहा है, हम उसको बोले हैं कि बाद में आना। हाँ देखिए दोस्तों, गए थे तब एकदम हाँ थे, गाड़ी पर चढ़ गई थी और अब अभी घुमा के लाए हैं, फ्रेश व्रेश करा के लाए हैं। और ये देखिए, हाँ ये देखिए, कुछ बुझा रहा है हाँ? कुछ सब तो हो गया, सब कुछ घुमा फिरा हाँ?